बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर के पार्ट टू की थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट टू की टू वीडियो और करा दी है। पहले आप उनको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। खनिज संसाधन। खनिज एक समुचित रासायनिक संरचना और सुस्पष्ट भौतिक गुणों वाला एक प्रकृति से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है। एक आयशक ऐसा खनिज या खनिजों का संयोग है। क्या है? एक आयशक ऐसा खनिजों का संयोग है जिसमें धातु जैसी कुछ कोई उपयोगी वस्तु प्राप्त की जा सके और उपयोगी वस्तुएं बनाने में जिसका प्रयोग किया जा सके। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में खनिज को बनाने में जिसका प्रयोग किया जा सके। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में खनिज को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी में खनिजों को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, मैग्नीज और तांबा औद्योगिक उपयोग वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। क्या क्या हैं कच्चे माल? एल्युमिनियम, जस्ता, मैग्नीज, तांबा और ये महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। महत्वपूर्ण गैर धातु संसाधनों में कोयला, नमक, मिट्टी, सीमेंट और सिलका शामिल है। खनिज की एक और श्रेणी इमारतों में निर्माण में प्रयुक्त पत्थर जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर है। हीरे, पन्ने और रूबी जैसी कीमती पत्थर ऐसे विशेष गुणों वाले खनिज हैं जिनको मनुष्य के सौंदर्य और आभूषण संबंधी मूल्यों के कारण महत्व देता है। सोना, चांदी और प्लेटिनियम की चमक दमक का उपयोग गहनों में किया जाता है। तेल, गैस और कोयला जैसे खनिज तब बने जब प्राचीन काल में पौधों और मृत पशु भूमिगत जीवाश्म ईंधनों में बदल गए। खनिज और उनके आयशकों को उपयोग में लिए भूगर्भ से निकलना पड़ता है। इस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनन एक कार्य आमतौर पर चार गुणों से भरपूर होते हैं। नंबर एक, पर्यवेक्षण, खनिज की खोज। नंबर दो, छानबीन, भंडार के आकार, परिणाम, स्थान और उसके आर्थिक मूल्य का निर्धारण। नंबर तीन, विकास, भंडार को सुलभ बनाने की प्रक्रिया ताकि उससे खनिज निकाली जा सके। नंबर चार, दोहन खदानों से खनिजों की निकासी। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य संसाधन। आज हमारा भोजन पूरी तरह कृषि पर, पशुपालन और मछलियों पर निर्भर है। क्या है? आज हमारा भोजन पूरी तरह कृषि और पशुपालन और मछलियों पर निर्भर है। हालांकि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, पर इसका कारण कृषि की आधुनिक विधियाँ हैं जो पूरी तरह अनिवार्य हैं और रासायनिक खादों, कीटनाशकों का अतीत उपयोग करके हमारा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। खाद्य और कृषि संगठन FAO निर्वहनीय कृषि की परिभाषा ऐसी कृषि के रूप में करता है जो भूमि, जल तथा पौधों और प्राणी रूपी संसाधनों को सुरक्षित रखे, पर्यावरण का हौस ना करे तथा आर्थिक दृष्टि, व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य हो। हमारे अधिकांश बड़े फार्म एक फसल उगाते हैं। अगर इस फसल को कीड़े लग जाएं तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है और किसान को उस साल कोई आय नहीं होती। दूसरी ओर किसान अगर परंपरागत किस्मों का प्रयोग करें और अनेक अलग अलग फसलें उगाएं तो पूरी असफलता की संभावना काफ़ी घट जाती है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट है कि अकार्बनिक खादों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। इस समन्वित फसल प्रबंध कहते हैं। विश्व खाद्य समस्या। अनेक विकासशील देशों में जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन बढ़ती मांग के साथ साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं। 105 विकासशील देशों में से 64 में खाद्य उत्पादन उनकी जनसंख्या वृद्धि के 17 से पीछे हैं। ये देश अधिक खाद्य उत्पादन में असमर्थ हैं तथा उसके आयात के लिए आवश्यक धन से वांछित हैं। भारत उन देशों में से एक है जो अपनी कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भाग पर सिंचाई के सहारे खेती करके पर्याप्त खाद्य उत्पादन में समर्थ हुए हैं। 1960 के दशक में हरी क्रांति ने देश में भूखमरी की समस्या को कम किया है, लेकिन इसके लिए जिन प्रौद्योगिकों का उपयोग किया गया है उनमें से अनेक पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मेन पॉइंट, हमारी उपजाऊ ज़मीनें जिस गति से फिर से उपजाऊ बन सकती हैं उससे अधिक तेज़ी से उनका दोहन किया जा रहा है। उससे अधिक तेज़ी से उनका दोहन किया जा रहा है।
वनों, घास के मैदानों और दलदली जमीनों पर खेती की जा रही है, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। समुद्री और अंतर्दर्शनीय दोनों प्रकार की मछली संसाधन समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। पोषक भोजन की उपलब्धता में भारी विषमताएं हैं। आदिवासी जनता जैसे कुछ समुदाय आज भी भोजन की गंभीर समस्याओं में ग्रस्त हैं, जिसके कारण वे कुपोषण के शिकार हैं, खासकर स्त्रियां और बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा संसाधन। भौतिक शास्त्रियों ने ऊर्जा की परिभाषा काम करने की शक्ति के रूप में दी है। ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर अनेक रूपों में पाई जाती है। क्या है? ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर अनेक रूपों में पाई जाती है। इनमें कुछ का तो तुरंत उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरों का रूपांतरण आवश्यक है। हमारे जीवन में सूर्य ऊर्जा का पहला स्रोत है। गर्मी पाने के लिए हम इसका सीधा उपयोग करते हैं और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी इसका उपयोग करते हैं, जो हमारे भोजन, जल, ईंधन और आवास प्रदान करती है। सूर्य की किरणें पौधे की वृद्धि के में सहायक होती हैं। पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं। ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मुक्त करते हैं, उसे ये ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा समुद्रों, नदियों और झीलों के पानी को वाष्प बनाती है, जो बादल बनकर वर्षा करते हैं। आज के जीवाश्म ईंधन कमी जंगल, जो प्रौद्योगिक काल में सूर्य की ऊर्जा से पैदा हुए थे। पशु जब ऑक्सीजन को मौजूदगी में रासायनिक यौगिकों का विघटन करते हैं, तो उनमें मौजूद रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। भारत में कृषि कार्यों में आज भी शारीरिक श्रम का व्यापक उपयोग होता है, तथा गाड़ियों और हल चलाने के लिए पालतू पशुओं का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। यातायात, कृत्रिम प्रकाश, कृषि और उद्योगों के लिए ये ऊर्जा जल विद्युत से आती है, जो जल चक्र पर आधारित होता है, और जल चक्र संभव होता है सूर्य की ऊर्जा से, जिसके वाष्प करण होता है, या फिर ये विद्युत ऊर्जा मिलती है ताप बिजली घरों, जो जीवाश्म ईंधनों से चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परमाणुओं के नाभिकों में होती है, और इसे नियंत्रित करके विद्युत ऊर्जा पैदा की जा रही है। हम घरेलू कामों में कृषि, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन और यातायात के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आधुनिक कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, जिन्हें बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। उद्योगों द्वारा उत्पादक इकाइयां चलाने और उन्हें सहारा प्रदान करने वाली नगरीय बस्तियों के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा से चलने वाली सड़क परिवहन और वाहन परिवहन और रेलों का इस्तेमाल यातायात के लिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और खदानों या जंगलों से कच्चा माल लाने के लिए किया जाता है। ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रौद्योगिकी पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है, और ऊर्जा की असीमित मांग इस जोखिम को कई गुना बढ़ाती है। ऊर्जा के सभी उपयोग ताप पैदा करते हैं और वातावरण का तापमान बढ़ाते हैं। साथ ही ऊर्जा के अनेक रूप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण वैश्विक उष्णता पैदा होती है। इस समय विश्व में लगभग 2 बिलियन लोगों को बिजली मिलती ही नहीं। जहां एक और अधिक लोगों के लिए बिजली की कमी है, वहीं जिनको ये सुलभ है, वे अपनी ज़रूरतें बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा भाग संप्रेषण में और उपभोक्ता के स्तर पर बर्बाद हो रहा है। आज व्यापक के रूप से ये माना जा रहा है कि ऊर्जा के उपयोग की दीर्घकालिक प्रवृत्ति से एक प्रदूषण राहित विश्वव्यापी ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में होने चाहिए, जो कार्बन का कम उपयोग करे, तथा जो ऊर्जा के सीमित नवीकरणीय स्रोतों पर कम से कम आधारित हो। अनुमान है कि नवीकरण ऊर्जा और नवीकरण जीवाश्म ईंधन के स्रोतों के उपयोगों की मौजूदा विविधियां और विश्व स्तर पर ऊर्जा की मांगों को अगले 50 से 100 सालों से अधिक समय तक पूरा नहीं कर सकेगी। इस तरह जब हम ऊर्जा की बर्बादी करते हैं, तो हम पृथ्वी के वातावरण के होश को बढ़ावा देते हैं। जब हम ऊर्जा की बर्बादी करते हैं, तो हम पृथ्वी के वातावरण
हास को बढ़ावा देते हैं। हम सबको ऊर्जा के उपभोग में और अधिक जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। याद रखिए कि अगर बिजली का एक बल्ब भी व्यर्थ में जल रहा है तो वे पर्यावरण के हास में योगदान दे रहा है। ये ऊर्जा का पहला डायग्राम है, देखिए डायग्राम है। अनवनीकरणीय ऊर्जा, अनवनीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए पहले तो सामग्री को जलाना पड़ता है। ईंधन को सुरक्षित क्षेत्र में रखकर जलाया जाता है। इससे पैदा गर्मी पानी को भाप बनाती है जो पाइपों से गुजरकर टर्बाइन को चलाती है। इससे चुंबकीय ऊर्जा बिजली में परिवर्तित हो जाती है जिसका उपयोग हम अनेक उपकरणों में करते हैं। अनवनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इनमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं जो खनिज रूप में प्राप्त हाइड्रोकार्बन ईंधन है। इनका निर्माण प्रागैतिहासिक वनों से हुआ है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि ये पौधों के जीवाश्म बनने से पैदा हुए हैं। दोहन की मौजूदा दर से कोयला अभी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन तेल और गैस संसाधन अगले 50 वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। ये ईंधन जलने पर व्यर्थ पदार्थ पैदा करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वातावरण में चले जाते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। इससे दुनिया भर में लोगों की बहुत बड़ी संख्या सांस की समस्याओं से ग्रस्त हो गई है। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक प्रभावित हुए हैं तथा अम्लीय वर्षा के कारण अनेक वन और झील नष्ट हुए हैं। इनमें से अनेक गैस हरितगृह की पूरी तरह भी काम करती हैं। सूर्य की रोशनी अंदर तो आती है पर गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। इससे वैश्विक उष्णता पैदा हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में पहले से अधिक सूखा पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, बर्फीले शिखर पिघल रहे हैं और समुद्र की सतह ऊपर उठ रही है जिससे दुनिया भर में तटीय और क्षेत्र धीरे धीरे डूब रहे हैं। समुद्र के तापमान में वृद्धि प्रवाल जैसे संवेदनशील प्राणियों को भी मार रही है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जो मैनमेड था वो मैंने आपको करा दिया है। पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो पर हमें पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।